हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल अंजू ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आज आदित्य की छुट्टी है, क्योंकि कौन सा त्यौहार है आज? भैया दूज है, हमको नहीं पता था, लेकिन मैसेज आया था मोबाइल में तो इसलिए अभी याद आ गया। और देखिए ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? देखिए कैसे टीवी देख रहा है। टीवी मत देखो बेटा, पढ़ाई किया करो। पढ़ोगे? ये क्या खा रहे हो, दिखाओ हाथ में, क्या खा रहे हो? ये देखिए लाई खा रहा है हमारा बाबू। चिढ़ा भाई से, हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग जान ही रहे हो कि यूट्यूब पर हमको तो बड़ी हंसी आ रही है, यूट्यूब पर कितना बकवास चल रहा है, क्या आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता ही होगा, जब हमको पता है तो आप लोगों को नहीं पता होगा। कैसे मतलब अर्जुन अब बोल रहा है कि एक घर वाली एक बाहर वाली, भला आप लोग ही बताइए। हमको तो हंसी आ रही है। एक म्यान में कभी दो तलवार रखी जा सकती है? नहीं रखी जा सकती ना। उधर बोल रहा है कि इतना बड़ा घर बनवाए हैं, दो तल्ला मकान है हमारा, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी। एक घर वाली एक बाहर वाली। चलिए फ्रेंड, चलिए करते हैं मुद्दे वाली बात। हमको तो हंसी आ रही है, अभी हमने वीडियो देखा तो इसलिए बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है उसके बयान पर, जो मतलब एक न्यूज वाले हैं, क्या नाम है, कुछ नाम है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनके चैनल पर अर्जुन ने मतलब बयान दिया है कि हम दोनों को रखेंगे साथ में। उधर मालती बोल रही है कि नहीं, हम अर्जुन को अर्जुन के यहाँ नहीं जाएंगे। तो मालती से पूछा गया कि दो ससुराल है, कहाँ जाना चाहोगी, मतलब पहले वाले के पास कि दूसरे वाले के पास? तो बोल रही पहले वाले के पास। दूसरा वाला भी नया नया है, इतना जल्दी पेट भर गया होगा ना, तभी पहले के वाले के पास। पहले वाले के पास क्यों जाना चाहती है, आप लोग भी जान गए होंगे कि क्यों वो जाना चाहती है। आजकल इसके सब कोई लालची हैं। तो पहले वाले के पास आप लोग विष्णु राज, यानी उसके पास प्रॉपर्टी है इसलिए उसके पास अब जाना चाहती है। इससे मन भर गया होगा ना, दो दिन वहाँ कहाँ रही, गेस्ट हाउस में रुकी थी, होटल में रुकी थी, होटल बाजी की दो दिन, उसके बाद पता नहीं अब कहाँ झालझर कुट्टी में, पता नहीं कहाँ रह रही है, अभी तो कुछ पता नहीं चला है। और लोग बोल रहे हैं ले आओ राधिका, राधिका को अभी बेचारी की शादी नहीं, उसको लाने का क्या मतलब है। विष्णु राज बोल रहे हैं उसको सीधा ले जाएंगे वहाँ कोर्ट में, यहाँ नहीं लेके आएंगे मीडिया के सामने। सही है, कहना भी ये भी सही है कि मतलब इन लोगों की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, उसकी अभी शादी नहीं हो तो उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो। हम भी नहीं चाहते फ्रेंड्स कि वो इन सब लफड़ों में पड़े, लेकिन अब देखो क्या होता है, पब्लिक जो कहेगी वही होगा। तो ओके फ्रेंड्स, बस ये छोटा सा वीडियो हमारा, आप लोगों को कैसा लगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है ये टॉपिक, विष्णु राज, मालती चौहान, अर्जुन और राधिका का, चारों लोगों का झमेला में झमेला फंसता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा बातें मतलब एक दूसरे में बात कर करके ये लोग बातों को और भी सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं, बातों को सुलझा नहीं रहा है, मामला सुलझ नहीं रहा है, उलझ रहा है अब मामला, तो क्या कहा जाए। देखो और जाके आप लोग इंटरव्यू में देख लीजिएगा कि मालती को नहीं लगता कि कोई गम है उसको, कितना हंस रही है इंटरव्यू में, ही हंस के ऐसे जैसे पागल जैसे, मतलब इतना जिसके ऊपर विपत्ति सचमुच आई रहती है वो इतना हंसता है, ये बताइए पहले आप लोग। हमें तो नहीं लगता कि वो इतना हंसेगा, चाहे जो भी हो लेडीज, जिसके ऊपर सचमुच इतना मतलब विपत्ति रहेगी वो इतना नहीं हंसेगी। उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसको कोई चीज़ का गम है, वो बल्कि खुश है। और न्यूज वाले भाई ने पूछा कि ये बताइए, अगर जो है
विष्णु राज अगर आपके पति अर्जुन पर कोई केस करें तो वो ठीक रहे, तो बोल रही है नहीं क्यों ठीक रहेगा, हम भी केस नहीं करेंगे, वो इसमें बेगुनाह है, वो बंदा उसको छोड़ दिया जाए, हम बस विष्णु राज जी के साथ रहना चाहे। तब का है इतना नाटक दिखाई, तब का है हंस हंस के मांग भरवा रही थी पब्लिक के सामने, और तब नहीं पता था कि हमको विष्णु राज हमारा पति, हमको विष्णु राज के ही साथ रहना चाहिए, चाहे वो मारे गरियाए कोई। बोल रही है महीने में 20 दिन नहीं मारता था, बाकी 10 दिन वो हमको मारता था। तो अगर मारता ही था तो तुमने डिसीजन ले ही लिया है, ले ही लिया था कि मतलब अब उसके पास नहीं जाएंगे, हम अर्जुन के साथ रहेंगे शादी के लिए, तब का है अपने बात से मुकर गई। दम बहुत ढोंगी औरत है, नाटकबाजी करती है ये फ्रेंड्स, जानबूझ कर इसने इसने सब किया। आप बोल रही है पब्लिक को गुमराह कर रही है, बोल रही है कि हमको उस समय माइंड में हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम बस वैसे ही शादी कर लिए, बस हमें कुछ भी समझ में नहीं। हाँ सस के सिंदूर भरवा रही थी और सब कुछ कबूल कर रही थी कि हाँ बाद में बदल नहीं। विष्णु राज में ने उस वीडियो में सब कुछ आप लोग जाके देख लीजिएगा, 2-3 मिलियन गया होगा उसमें व्यूज भी, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, जबकि कि मतलब हमारे दबाव से तो तुम नहीं शादी कर रही है कर रही हो, तो वो बोली नहीं तुम्हारे दबाव से नहीं कर रहे हैं, हम अर्जुन से प्यार करते हैं इसलिए शादी कर रहे हैं। जब सब कुछ उसमें कबूल कर ली हो फिर उसके बाद क्यों नाटकबाजी फैला रही हो कि विष्णु राज के बिना नहीं जी पाएंगे, हम जाना चाहते हैं, तो वो उसकी भी गलती नहीं है इस जगह पर, बेचारे की मर्द है। वो भी बोल रहा है कि आप लोग ही दोस्तों बताइए, कोई किसी की भी वाइफ हो अगर 4 दिन होटलबाजी करके हम बिस्तर करके किसी दूसरे गैर मर्द के साथ रह के आएगी, वो कितना भी अपनी सफाई दे और हमारे सामने सब कबूल के गई है कि हमें अर्जुन से प्यार करती, तो क्या आप उसे रख लोगे? अगर यही विपत्ति आपके ऊपर होगी, ये मतलब विष्णु राज का कहना है, पूछ रहे हैं पब्लिक से, तो क्या आप रख लोगे? तो सही बात है, इस बात से हम विष्णु राज के सहमत है, कोई नहीं रखेगा भाई। यहाँ आदमी अभी 1-2 घंटे के लिए वाइफ किसी की कहीं चली जाती है तब तो विलेम लग ही जाता है कि कहाँ गई, क्या कर रही होगी, किसके साथ होगी, किसके साथ नहीं, वो तो सोच लीजिए 3-4 दिन वहाँ रह के होटल में, 2 दिन होटल में रुकी थी, उसके बाद पता नहीं कहाँ झलझल कुट्टी में थी, उसमें से वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, हमको तो कुछ पता नहीं है कहाँ थी कहाँ नहीं थी, बस वीडियो देखकर ही वीडियो बनाए हैं और वीडियो देखकर सभी बना रहे हैं, वही जो उसके बहुत करीबी होंगे वही जानते होंगे कि वो आप पहले कहाँ थी, आप कहाँ, आप पहले तो जहाँ थी 2 दिन होटल में रुकी थी उसको तो खुद अपने मुँह से बोला है कि हाँ हम होटल में 2 दिन रुके, लेकिन अब कहाँ है ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है, और जिसको पता भी होगी वो रोकी होगी कि बताना मत, इस बारे में वीडियो मत बनाना, तो विश्वास पर बताई होगी जो उसके बहुत करीबी होंगे, और हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है फ्रेंड्स, क्या बताएं। यूट्यूब पर तो एकदम इन्हीं लोग का वीडियो की बौछार, ये लोग ट्रेंडिंग पे आ गए हैं, हम लोगों का वैसा कोई क्या करें, हम लोगों को ना चाहते हुए भी फ्रेंड्स वीडियो बनाना पड़ रहा है, पूछो क्यों, अब ये लोग ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, हमारा घर का ब्लॉग या कहीं का भी ब्लॉग डाल दो ना, ब्लॉग चल ही नहीं रहा है, आप लोग ही बताइए क्या करें। थोड़ा बहुत मतलब इस टॉपिक पर डालते हैं लोग, ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं तो चलता है, वरना चल ही नहीं रहा है, क्या करें, मजबूरन इन लोगों के बारे में डालना पड़ता है, और हमें इन लोगों में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने चारों पांचों लोग मिलकर ना ऐसा काम ही किए हैं, सब इन लोगों की बनी बनाई साजिश है फ्रेंड, और आखिरी में लोग जाकर मिल ही जाएंगे, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा, उसके पहले ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बना बना के अपना बढ़िया व्यूज कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इन लोगों का काम ही यही है। तो ओके फ्रेंड्स, और क्या बोलें, हमारे
समस्या तो जो हमको नजर आया वो हमने बोल दिया, जो हमको दिखा वीडियो के द्वारा हमारे मन में भी जो था आप लोगों के समक्ष रख दिया अपने मन की बात। आप लोगों को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।